हालात बांग्लादेश में खराब हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता तलवारें खींचने की बात भारत के अंदर कर रहे हैं। बांग्लादेश के हालात खराब है, अगर वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस पर संवाद करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मगर दोष किस पर मढ़ा जा रहा है? अनुराग ठाकुर दोष मढ़ रहे हैं राहुल गांधी पर। क्या भाजपा की मति भ्रष्ट हो गई है? दोस्तों, सबसे पहले जो बयान कंगना रनौत ने दिया है ये बहुत ही शर्मनाक है। वो तलवारें खींचने की बात कर रही है बांग्लादेश के बहाने। वो ये कह रही है कि भारत खतरे में है और भारत इस तरह के खतरों से घिरा हुआ है, इसलिए तलवार खींचो। ये सांसद हैं मगर इनकी भाषा किसी दो रुपल्ली टोल से कम नहीं है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर बांग्लादेश में हालात खराब है, जिसकी हम चर्चा करेंगे और आपके सामने मैं पूरी तस्वीर पेश करने वाला हूं, क्या उसके सहारे हम भारत के अंदर हालात को खराब करेंगे? क्या उसके बहाने हम गाजियाबाद में गरीब मुसलमानों पर हमला करेंगे? क्योंकि एक वीडियो सामने आया है और मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, ना वो वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं, जहां कुछ गरीब मुसलमान जो झोपड़पट्टी में थे उन्हें मारा जा रहा है, बगैर इस बात के सबूत के वो बांग्लादेशी हैं या नहीं है, अवैध बांग्लादेशी हैं या नहीं है, उन्हें मारा जा रहा है। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30 बजे करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्रीहोल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई है तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई है। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान यह भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस सांसद कंगना रनौत का ही बयान, शर्मनाक बयान, और कुछ देर बाद मैं आपको सुनाऊंगा अनुराग ठाकुर का बयान भी, क्योंकि राहुल गांधी पर हमला करने का कोई रास्ता ये लोग नहीं छोड़ते। अभी देखिए मोहतरमा क्या कह रही है। शांति कोई हवा या सूरज की रोशनी नहीं है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और ये आपको मुफ्त में मिलेगी। महाभारत हो या रामायण, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई शांति के लिए लड़ी गई है। अपनी तलवारें उठाएं और हर युद्ध शैली का अभ्यास करें, अगर ज्यादा नहीं तो हर दिन आत्मरक्षा के लिए 10 मिनट का समय दें। विश्वास में समर्पण करना प्रेम है, परंतु भय में समर्पण करना कायरता। इसराइल की तरह अब हम भी चरमपंथियों से घिर गए हैं। हमें अपने लोगों और अपनी भूमि की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप यह कहें कि हमें अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए तो मैं बात समझ सकता था, मगर तलवार उठाएं, अभ्यास करें। आप ये किस तरह की नसीहत दे रही हैं? आप एक सांसद हैं, आपको पता है अगर आप तलवार रखने की नसीहत देंगे देश की आबादी को, क्या ये देश की आबादी पूरी तरह से शिक्षित है? आप किस तरह की नसीहत दे रहे हैं? बांग्लादेश में जो हो रहा है वो शर्मनाक है, मगर उसके बहाने आप क्या देश के अंदर अराजकता मचाना चाहते हैं? और इनसे मिलिए माननीय गोलीराम ठाकुर या गोलीमार ठाकुर। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी फलस्तीन पर तो टिप्पणी करते हैं मगर बांग्लादेश के हिंदुओं पर टिप्पणी नहीं करते हैं। सुनिए क्या क्या रहा है, मैं फिर उसकी चर्चा करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहाँ पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? अनुराग ठाकुर, चाहे जेपी नड्डा हो चाहे अमित शाह हो, सबने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी तो बांग्लादेश का तख्ता पलट क्यों नहीं रुकवा पाए? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी तो हिंदुओं पर जो हमले हुए हैं 27 जिलों में उसे क्यों नहीं रुकवा पाए? आपको एक और मौका ढूंढना है हिंसक विचार व्यक्त करने के लिए, जो कि कंगना ने किए। एक और मौका ढूंढना है राहुल गांधी पर हमला करने के लिए, जो कि अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है। राहुल गांधी ने ऑल पार्टी मीट में विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक सीधा सवाल पूछा था जिसका जवाब उनके पास नहीं था, और सवाल क्या था? क्या बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात है उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है? और वो इशारा कर रहे थे चीन और पाकिस्तानी ISI की साझा साजिश की। क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उस बात का जवाब दिया? नहीं दिया। आप नेता विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है मगर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करने को तैयार हैं। आपकी एक सांसद तलवारें खींचने की बात करती है, शर्म आपको आती नहीं?